हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे हमारा टेम्प्रेरी लॉक को परमानेंटली सॉल्व कैसे करें। ठीक है गाइस, इसमें आपको अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, मतलब आपने बहुत पहले बना दिया जिसमें आपका ईमेल मोबाइल नंबर नहीं है, फेसबुक से लॉग इन नहीं किया है, मतलब डायरेक्टली हो गया है, ठीक है, या ईमेल से हो गया तो नंबर नहीं है, या फिर नंबर से हुआ नंबर नहीं है अभी आपके पास, या फिर ईमेल नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको आपका यूज़र नेम मतलब मैं बता देता हूँ, जिनको पता उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं यूज़र नेम क्या होता है, देखो ये जो यूज़र नेम है इसी यूज़र नेम कहते हैं, जैसे मेरा रवि चौधरी 15 है, ये नहीं, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। तो आपका यूज़र नेम और जो आपका मेन आईडी का पासवर्ड है वो आपको याद रहना चाहिए, बाकी जो अब मैं यहाँ से बताऊँगा वो करना आपको, और आपकी गारंटीड आईडी वापस आ जाएगी 4-5 घंटे के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। सब वही ट्रिक है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है, स्पेस करके इंस्टाग्राम रिपोर्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद ये फर्स्ट वाला लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आपसे हिंदी इंग्लिश है, पता नहीं कैसे हिंदी हो गया, एक सेकेंड, तो नीचे से आप यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका भी हिंदी हो जाएगा तो, अगर हिंदी में है तो ठीक है। तो अब ये सब होने के बाद फिर यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा वो क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप अदर उधर कुछ भी कह देना, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपसे वो पूछेगा अदर करके, यहाँ पे आपसे अब वो एक पूछेगा मतलब कि आप क्या मतलब करना चाहेंगे, मतलब क्या आपको हेल्प चाहिए, क्या आपसे गलत हुआ, ठीक है। इसके लिए क्या करना, आपको एक वीडियो का लिंक दिया होगा मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को ओपन करना, वहाँ पे देखना लिखा होगा इंस्टाग्राम रिपोर्ट, तो ये वाले वेबसाइट यानी मेरे वेबसाइट पे आप आ जाओगे। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप जैसे पेस्ट करोगे, ठीक है, आप इस वाले साइट पे आ जाओगे जहाँ पे यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ठीक है। तो ऐड आएगा, इसको कट कर देना और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, देखो यहाँ से इसको कॉपी करके थैंक यू सो मच तक कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद और यहाँ पे ये कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हम वापस अपने इंस्टाग्राम वाले आईडी में, ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इतना, और उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, यूज़र नेम, ठीक है, जो आपका यूज़र नेम है, तो एक सब्सक्राइबर है उन्होंने अपना दिया है यहाँ पे, तो उनका यूज़र नेम जैसे जैसे है मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर लेना, ये काफ़ी दिनों से हमसे बोल लेते हैं। एक मिनट में चेक कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम लिख देना, उसके बाद यहाँ पे लिख देना पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड के आगे यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देना, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल देना या फिर जीमेल दे दो, और वो ईमेल देना जो आपका एक्टिवेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ईमेल एक्टिवेट है तो वो आप दे दो, उसके बाद ईमेल देने के बाद यहाँ पे आपको नंबर देना है, तो यहाँ पे नंबर और ये उसके बाद देखो यहाँ पे नंबर लिखना है, और ये सब एक्टिवेटेड देना आपके उसमें हो या ना हो, बस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से उनको करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये लिखेगा थैंक्स फॉर योर फीडबैक एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव आंसर फॉर एवरीवन, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद आपके जो आपने इसमें ईमेल आईडी दिया होगा वहाँ पे इंस्टाग्राम वाले आपसे कंफर्मेशन के लिए 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि आपका अगर आईडी है तो आप इसको प्रूफ करो, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी और का आईडी हैक करने के लिए भी यह सब होता है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपको मतलब डायरेक्ट कैमरा ऑन करके अपना पिक क्लिक करके रख देना है कि मतलब हाँ उस यूज़र नेम में अगर आपका फ़ोटो है तो ठीक है, और कुछ है जिसे पोस्ट हो तो तब तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर अगर आपका पिक्चर है तो आप कैमरा ऑन करना, पिक्चर क्लिक करना एंड डायरेक्ट सेंड कर देना उस ईमेल पे, ठीक है, और बस इतना कर देना। और उसके बाद कुछ देर बाद आपको क्या होगा, फिर से एक बार उस आईडी को लॉगिन करना, वो लोग वहाँ पे फीडबैक दे देंगे आपको, और ऐसे 2-4 सब्सक्राइबर्स के साथ हो चुका है, उन लोग का आईडी वापस आ चुका है, मैंने ये ट्रिक बताया था, तो सोचा था लाओ पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो फिर आप लोग को यूट्यूब पे बताऊँगा। तो अब ये चीज़ वर्क कर रही है गाइस, और 2-3 घंटे में ही मिल जा रहा है सबको आईडी, तो जिसको मिल गया है वो कमेंट में लिख देना कि थैंक यू मिल गया है, एंड जिसको नहीं मिला है वो कमेंट मत करना, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, और ये जो मैंने ये वेबसाइट पे बताया इसको सही से फॉलो कर लेना, ठीक है।
बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो भी कमेंट कर देना थैंक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और कितने देर में हुआ ये भी बता देना कमेंट में, बाकियों को भी पता चलना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।